अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TS9 न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। शहर हैदराबाद के इलाके मैलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में महफिल होटल के करीब एक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें एक शख्स की मौत वाकई हो गई। इस मौके पर इतला मिलते ही पुलिस पहुंच गई। ट्रैफिक ACP ने इस जिमन में मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। आइए देखते हैं उनका इस जिमन में क्या कहना है। शमशुद्दीन बोल के 57 ईयर्स है, ड्राइवर के काम करता। घर जाने के रास्ते पे रिटर्न पे मोटरसाइकिल पे उनका फैमिली मेम्बर्स का मोटरसाइकिल पे जा रहे, यहाँ लेफ्ट कर रहे है, थोड़ा स्पीड हाई स्पीड में है, कंट्रोल नहीं हुआ, डिवाइडर लगा के नीचे गिर गए। हेलमेट है मगर वो हाफ हेलमेट है, एक्चुअली इट इज़ नॉट ए सूटेबल दैट वन, ऑल्सो क्वालिटी भी नहीं है। वो छुट जाके बाद हेड इंजरी हुआ, मेन हेड फोरहेड को, वो स्पॉट डेथ हो गए। ये मालूम होते ही जो ट्रॉफिक एंड लैंडर ऑफिसर्स आए, उसका फैमिली मेम्बर्स भी आए, उसका खुद मार लेके मर गए। इस थोड़ा स्पीड उतना स्पीड नहीं रहना था, वो तो करों में कंट्रोल नहीं हुआ, वो एक्सीडेंट होके मर गया। शमशुद्दीन यही लीगल कुंटा में बोल के है, ड्राइवर काम करता है। प्रिलिमिनरी पर एग्जैक्टली 2 o'clock तो बच जाते थे। वो टर्निंग है करू पे, वही स्पीड मेंटेन करे जैसा है, वो कंट्रोल नहीं हुआ, सीधा जाके मार लिया। ओके सर, थैंक यू। नाज़रीन फिलहाल बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।